गुजरात के भावनगर के साळंगपुर में विराजने वाले कष्टभंजन हनुमान यहाँ महाराजा धीराज के नाम से राज करते हैं, जिसे साळंगपुर हनुमान भी कहा जाता है। कहते हैं कि बजरंगबली के इस दर पर आकर भक्तों का हर दुख, उनकी हर तकलीफ का इलाज होता है, फिर चाहे बात मूरी नजर की हो या शनि के प्रकोप से मुक्ति की। केसरी नंदन के भव्य मंदिरों में से एक कष्टभंजन हनुमान मंदिर भी है। विशाल और भव्य किले की तरह बने एक भवन के बीचों बीच कष्टभंजन का अति सुंदर और चमत्कारी मंदिर है। किसी राज दरबार की तरह सजे इस सुंदर और विशाल और भव्य मंडप के बीच 45 किलो सोना और 95 किलो चांदी से बने एक सुंदर सिंहासन पर श्री हनुमान जी विराजते हैं। उनके शीश पर हीरे जवाहरात का मुकुट है और पास ही एक सोने की गदा भी रखी है। संकट मोचन के चारों ओर प्रिय वानरों की सेना दिखती है और उनके पैरों में स्त्री रूप शनि देव जी महाराज है, जो संकट मोचन के इस रूप को खास बना देते हैं। बजरंगबली के इस रूप में भक्तों की अटूट आस्था है और वे यहाँ दूर दूर से खींचे चले आते। कष्टभंजन हनुमान के इस मंदिर में दो बार आरती का विधान है। पहली आरती सुबह 5:30 बजे होती है। आरती से पहले नए वस्त्र पहनाकर स्वर्ण आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है और इसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ के बीच संपन्न होती है हनुमान लल्ला की यह आरती।
बजरंगबली के इस मंदिर में वैसे तो रोजाना ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ लाखों भक्त आते हैं। नारियल, पुष्प और मिठाई का प्रसाद केसरी नंदन को भेंट कर प्रार्थना करते हैं। कुछ भक्तों मात्र शनि प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ भक्तों को बजरंग बली के साथ शनि देव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। कहते हैं यहाँ अगर कोई भक्त नारियल चढ़ाकर अपनी कामना बोल दे तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। शनि दशा से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही संकट मोचन का रक्षा कवच भी मिल जाता है। साळंगपुर हनुमान, जो गुजरात के शहर भावनगर से 82 और अहमदाबाद से करीब 153 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आने के लिए बस सेवा और प्राइवेट व्हीकल आसानी से उपलब्ध रहते हैं। सभी बड़े शहरों से भावनगर के लिए रेल गाड़ियां आसानी से मिल जाती है। भावनगर सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। Thank you.
उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे लाइक कमेंट शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह भी सुनिश्चित करें कि आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आप मेरे आगे के वीडियो को मिस ना करें।